स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एग्जाम सॉल्यूशन। मैं प्रीति आज आपके लिए लेकर आई हूँ MSK 006 भाषा विज्ञान अनुवाद एवं निबंध लेखन असाइनमेंट 2021-22। स्टूडेंट ये सॉल्व असाइनमेंट उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 2021-22 के सेशन में एडमिशन लिया है। इसी के साथ स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे आप अपना असाइनमेंट सॉल्व करके सबमिट कर सकते हैं। सो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, आंसर्स को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। सो स्टूडेंट इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ऐसी और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ स्टूडेंट सॉल्व असाइनमेंट की अगर आपको नीड है एज अ PDF हैंड रिटन हार्ड कॉपी आप बाय करना चाहते हैं सॉल्व असाइनमेंट, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको, जिसमें बताया गया है कैसे आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कैसे असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, कैसे सबमिट करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर केयरफुली फिल करें। इसी के साथ स्टूडेंट यहाँ पर आपको सबमिशन डेट भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कब अपना असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है, किस डेट तक सबमिट करना है। अकॉर्डिंग टू योर सेशन यहाँ पर आप अपनी सबमिशन डेट भी चेक कर सकते हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ सॉल्व असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट ये है आपका असाइनमेंट MSK 006 भाषा विज्ञान अनुवाद एवं निबंध लेखन 2021-22 सेशन के लिए। सो स्टूडेंट अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगी, असाइनमेंट को समझने के लिए, आंसर्स को सॉल्व करने के लिए वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार रिपीट करें ताकि आपको आंसर अच्छे से समझ आए, वीडियो को स्किप ना करें। सो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप अपना कोड और सब्जेक्ट चेक कर लें। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिखाया है किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने क्वेश्चन पेपर को पहले केयरफुली रीड कर लें, क्वेश्चन के मार्क्स उनके सामने भी लिखे हैं। स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सॉल्व आंसर पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें कहा दिया गया है भाषा विज्ञान का महत्व अंग और क्षेत्र पर लिखे लेख लिखिए। आंसर आपको नीचे दिया गया है। स्टूडेंट अपने आंसर को समझने के लिए वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखें या फिर वीडियो को रिपीट करके आंसर्स को 1 से 2 बार रीड ज़रूर करें। सो स्टूडेंट वो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, यह है ख अर्थ परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालिए। आंसर आपका स्क्रीन पर दिया गया, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है PD परिवर्तन, सेकंड पॉइंट है परिवेश परिवर्तन। इसी के साथ स्टूडेंट ये है आपका थर्ड पॉइंट भावावेश के कारण, फोर्थ है नम्रता दिखाने के कारण, व्यंग करने के कारण, लाक्षणिकता के कारण, अन्य भाषाओं का प्रभाव, शब्दों के अधिक प्रयोग के कारण। स्टूडेंट 9th पॉइंट आपका यहाँ दिया गया है अज्ञानता के कारण, शुष्कावेद के कारण। स्टूडेंट अपने आंसर को नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3, लौकिक त्या वैदिक संस्कृत में अंतर बताते हुए लेख लिखिए। आंसर आपका नीचे दिया गया है। स्टूडेंट
स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन नंबर का पार्ट फोर, भारत ईरानी या हिंदी ईरानी शाखा पर लेख लिखिए। स्टूडेंट, आप आंसर को अच्छे से समझने के लिए आप क्वेश्चन भी एक से दो बार रीड कर लें, जिससे आपको क्वेश्चंस भी समझ आ जाए। स्टूडेंट, ये है आपके क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट, स्वर एवं व्यंजन ध्वनि के वर्गीकरण को लिखिए। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको आंसर समझ आ रहे होंगे। सो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, में से किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। यह है आपका अहिंसा परमो धर्म, जिसके ऊपर आपको निबंध लिखना है संस्कृत में। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको ऊपर क्वेश्चन पेपर में पहला दिया गया था, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आंसर आपका नीचे दिया गया है। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का असाइनमेंट, वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नया है, मेरे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ऐसे और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ स्टूडेंट, मैं आपको फिर बताना चाहूँगी, अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपने असाइनमेंट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और सॉल्व असाइनमेंट बाय करना चाहते हैं एज अ PDF और हैंड रिटन हार्ड कॉपी, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं प्रीति मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।